हेलो एवरीवन, क्लास 7 साइंस. सो टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. आई होप सो ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर प्रीवियस चैप्टर. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी रेस्पायर. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड द सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम सेल्स कहते हैं. दीज सेल्स हैव अ डिफरेंट फंक्शन. इन सेल्स में डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. आप लोग सोचोगे मैम सब तो लंग्स करते हैं, लंग्स होते हैं, किडनी होती है, ये सब बहुत सारे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, आप सेल्स को कह रही हैं. सो स्टूडेंट्स, सेल्स आर टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यूज, एंड टिश्यूज आर कम्स टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स कम्स टुगेदर मेक बॉडी सिस्टम्स. ठीक है, तो हर जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं. इन ऑर्गन्स में नंबर्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स में सेल्स पाए जाते हैं जो साथ मिलकर कई तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे हमारे ऑर्गन, जैसे हमारे हार्ट का काम क्या करता होता का काम होता है, हाँ, ब्लड को पंप करना. किडनी का काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन करना. स्टोमक का काम क्या क्या होता है, रिलीज एसिड्स का, एसिड्स का रिलीज करना और एंजाइम्स रिलीज करना, है ना, डाइजेशन करना. तो अलग अलग बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म ये सेल्स करते हैं. द सेल्स कैन परफॉर्म दीज फंक्शन ओनली इफ दे गेट द फूड एनर्जी टू डू सो. और ये सेल्स इन फंक्शन को परफॉर्म तभी कर पाते हैं जब इनको एनर्जी मिलती है. इसलिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड विच गिव्स देम एक्वायर्ड एनर्जी. इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनको फूड की ज़रूरत पड़ती है जो उनको एनर्जी देते हैं. द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड गेट रिलीज व्हेन द ऑर्गेनिज्म रिस्पायर और ब्रीथ. और फूड में मिली एनर्जी, द एनर्जी प्रेजेंट, जो फूड में एनर्जी होती है वो रिलीज होती है जब ऑर्गेनिज्म रिस्पायर या ब्रीथ करते हैं. हाउ फूड हेल्प अस गेनिंग एनर्जी. फूड हमें कैसे एनर्जी गेन करने में हेल्प करता है. एज वी ब्रेथ, जब हम सांस लेते हैं, वी टेक इन एयर, तो हम हवा अंदर लेते हैं और ऐसी एयर को अंदर लेते हैं जिसमें क्या कंटेन होता है, ऑक्सीजन कंटेन होता है. एंड ब्रेथ आउट, और जब हम ब्रेथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम ऐसी सांस को छोड़ते हैं विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है. दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू आवर सेल. और ये जो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, हमारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड वी गेट एनर्जी. और ये ऑक्सीजन क्या करती है, सेल्स में जाके हमारे फूड को ब्रेकिंग डाउन करने में हेल्प करती है. ब्रेकिंग डाउन मतलब जो भी हम रोज खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है. ठीक है, तो ये सेल्स क्या करती हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, जिससे हमें फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स एनर्जी के रूप में मिलें. फिर आता है व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन. सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब सेल से होने वाली रिस्पायरेशन. सेलुलर रिस्पायरेशन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस इन विच द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन. सेलुलर रिस्पायरेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द फूड, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड जब लेते हैं, जब फूड हमारे अंदर जाता है, इज़ ब्रोकन डाउन इन साइड द सेल्स. सेल्स में जाकर ये ब्रोकन डाउन होता है, विच रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी. जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. ऑल द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेलुलर रिस्पायरेशन. कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए आपने रोटी खाई. ठीक है, आपने रोटी तो खाई, लेकिन रोटी में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स हमको कैसे मिलेंगे, पहले आपने खाने को चबाया, चबाने के बाद वो हमारे क्या होता है, फूड कैनाल से होते हुए कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है. स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं. फिर उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में की दीवारों में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसको विलाई कहा जाता है. ठीक है, फिंगर जैसी, उंगली जैसी स्ट्रक्चर वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको विलाई कहा जाता है. अब वो क्या करते हैं, फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाते हैं, सेल्स में पहुँचाते हैं. ठीक है, सेल्स में हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए. अब जब
हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, सेल्स में ट्रांसपोर्ट होता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड के द्वारा मौजूद न्यूट्रिएंट जो सेल्स में पहले से रहते हैं, वो ऑक्सीजन उनके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसका यूज़ हम कई तरह की बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। द सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द सेल ऑर्गेनेल्स कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया। और सेलुलर रिस्पायरेशन ये कहाँ होता है, सेल्स में, सेल ऑर्गेनेल्स में, कॉल द माइटोकॉन्ड्रिया। आप कहोगे मैम सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वैसे ही सेल में कई तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है, उन्हीं में से एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में एक ही सेल है, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप सेल्स के फंक्शंस भी हैं। हाँ, ये है कि ऑर्गेनेल्स जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सारे सारे सेल्स में सेम होते हैं, उनकी शेप अलग हो सकता है, साइज़ अलग हो सकता है, बट उनमें मौजूद जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब में सेम होते हैं। प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स अलग हो थोड़ी सी डिफरेंट होते हैं एनिमल सेल्स से। द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रेथ इन रिएक्ट विथ कार्बोहाइड्रेट। जब ऑक्सीजन क्या करते, जब हम कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ब्रेथ करता है, सांस लेता है, तो ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन को लेता है, और ऑक्सीजन क्या करती है, हमारे बॉडी में हमारे सेल्स में मौजूद न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज भी हम कह सकते हैं, रिएक्ट करती है जो फूड में प्रेजेंट होता है, और उसके रिजल्ट में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने के बाद क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो ये इसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में एनर्जी कैसे रिलीज होती है, आप इस रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हो कि सेल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स पहले से रहते हैं, कैसे होता है मैंने अभी आपको बताया, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, हमारी बॉडी में आती है, अब वो सेल्स तक पहुंचती है, और सेल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारा जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन, उससे हमें एनर्जी रिलीज होती है, और उसके साथ क्या क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम सांस छोड़ते हैं तो बॉडी के बाहर कर देते हैं, और वाटर को हम अपनी दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेते हैं, और इसी को कहा जाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ठीक है, 6CO2 यानी कि ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और 6H2O बनता है। अभी आप लोगों को तो ये चैप्टर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा अलग रहा होगा, अलग लग रहा होगा, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, बहुत ज़रा टॉपिक लेके नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी सिर्फ दो ही तीन एक दो टॉपिक ही लेके आपको एक्सप्लेन किया है। आराम से समझिएगा इसको, एक दो बार रीडिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लर्न, बुक की रीडिंग भी अच्छे से करिएगा, ठीक है। So thank you and have a nice day.